चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं वायरल वीडियो की। जी हाँ, जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स दिल्ली में लोट लगाकर अपने गांव की समस्या सुनाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास पर पहुंचा था। दरअसल आपको बता दें कि बंबूरडीह ग्राम पंचायत पहुंचने के कोई सड़क नहीं है, पक्की सड़क यहां पर नहीं है, जहां बारिश में ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। मरीजों को खाट पर उठाकर पैदल ले जाना पड़ता है और तो और गांव के कुवारों की शादी तक नहीं हो रही है। बंसल न्यूज ने उस गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी है। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। जरा सोचकर देखिए कि इस व्यक्ति की परेशानी कितनी गंभीर होगी, जो इसे 1300 किलोमीटर का सफर तय कर छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक जाना पड़ा। महासमुंद के बावनकेरा गांव की सड़क इतनी बदहाल है कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इस रोड को बनाए और मेरा एक गरीब गांव को रोड मिल जाए, ऐसा मैं विश्वास लेकर मैं यहां आया हूं। बंबूडीह गांव के सरपंच शत्रुघ्न चेलक लूट लगाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निवास पहुंचे और सड़क बनाने की गुहार लगाई। विश्वास के साथ आया हूं क्योंकि नितिन गडकरी साहब जो है सबका मांग पूरा करता है, इस वजह से मैं आया हूं। और अभी मुलाकात नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं मुलाकात करे बिना जाऊंगा भी नहीं। मुझे जितना दिन भी रुकना पड़े मैं दिल्ली में रुकूंगा और मैं अपना मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा और मुलाकात करूंगा। मैं जल्द से जल्द और इस रोड को बनाए और मेरा एक गरीब गांव को रोड मिल जाए, ऐसा मैं विश्वास लेकर मैं यहां आया हूं। सरपंच ने महासमुंद से लेकर रायपुर तक गुहार लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। रामा डबरी से बावनकेरा तक बननी है सड़क। साल 2023 में 2,50,00,000 रुपए स्वीकृत हुए। सड़क के लिए अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बारिश के दिनों में गांव टापू की तरह हो जाता है। पक्की सड़क नहीं होने से शिक्षक स्कूल नहीं आ पाते। मरीजों को चारपाई के सहारे ले जाना पड़ता है। सड़क नहीं होने से कुंवारों की शादी भी नहीं हो रही। बावनकेरा गांव की समस्या जानने के लिए बंसल न्यूज गांव वालों के बीच पहुंचा। उनकी मुंह जुबानी सुनिए कि किन परेशानी से वो लोग जूझ रहे हैं। यहां का जो मरीज है वो अगर बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं आता है, उसको खाट में उठा करके बावनकेरा तक पहुंचाया जाता है। और बच्चे लोग यहां से पढ़ने जाते हैं तो कीचड़ से गिर करके, साइकिल से गिर करके भी परेशानी हो रहे हैं। आने जाने में बहुत तकलीफ है। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या करेंगे सर, जैसे जी रहे तैसे जी रहे, नहीं तो फिर रोड में चक्का जाम करेंगे, वहां सोएंगे रोड में। आखिरी उपाय है और कोई उपाय नहीं हमारे पास। उम्मीद है कि प्रशासन नींद से जागेगा, जिम्मेदारों के कान में जू रेंगेगी और इन गांव वालों को इस मुसीबत से निजात मिलेगी। अरविंद यादव, बंसल न्यूज, महासमुंद। तो देखिए, तस्वीरें आपने देखी और इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है और कौन कौन सी परेशानी यहाँ पर ग्रामीणों को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री तक ये आवाज़ पहुंची है या नहीं, इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अरविंद जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अरविंद, अगर हम सबसे पहले बात करें इस पूरी घटना को लेकर, तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, एक अनोखा प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, क्या केंद्रीय मंत्री तक ये आवाज़ पहुंची है और साथ ही जो ग्रामीण हैं उनकी किस प्रकार की समस्याएं सड़क नहीं होने को लेकर आ रही है? जी अनुपमा, मैं आपको 2 किलोमीटर की दूरी में रामा डबरी है और ये रामा डबरी बंबूडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। बंबूडी ग्राम पंचायत के सरपंच कई बार प्रयास किए कि सड़क बन जाए ताकि लोगों को आवाजाही में सुविधा हो, बच्चे स्कूल जा सकें और जो गर्भवती महिला है उसको समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन ये मांग काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन वो मांग पूरी नहीं होने से वो परेशान थे और अंततः वो नितिन गडकरी जी के पास गए और उन्होंने एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए वहां तक, विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां तक पहुंचे। हालांकि मंत्री जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक मंत्री जी नहीं मिलेंगे तब तक मैं यही रुकूंगा और ये सड़क की समस्या है,
उनको सामने मैं अवगत कराऊंगा। ग्रामीणों से जब हमने बात की तो ग्रामीणों ने जो बताया है तो वहाँ वाकई में समस्या है, क्योंकि बारिश के दिनों में वहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन है। 2 किलोमीटर की रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते आजादी से आज तक कभी नहीं बने। राहत कार्य आज से 50 साल पहले हुआ था, तो लोगों ने राहत कार्य में एक मिट्टी की सड़क बनाई थी ताकि आवाजाही थोड़ा बहुत हो सके, लेकिन आज तक उस पर पक्की सड़क नहीं बनी और लोग परेशान है वहाँ, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता। और अभी किसी ने बताया कि वहाँ एक बच्चे की तबीयत खराब थी, एम्बुलेंस बुलाया गया लेकिन एम्बुलेंस टाइम में नहीं पहुंचा और उसकी मौत हो गई। उसी तरह बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं, 5वीं क्लास तक वहाँ रामा डबरी में स्कूल है, लेकिन 6वीं 7वीं से लेके आगे की पढ़ाई के लिए उनको 52 केरा आना पड़ता है, लेकिन 52 केरा जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो बच्चे 5वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इस तरह की समस्या तो है, क्योंकि सड़क बनेगी तो विकास होगा, और उनका ये भी कहना है कि सड़क नहीं होने से हम विकास से 75 साल दूर जी। बिल्कुल अरविंद, अगर देखा जाए तो इस गांव में ये समस्या कब से बनी हुई है, कितने दशकों से यही समस्या है, और इस खबर के सामने आने के बाद क्या कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी इस गाँव पहुँचा है? ये देखिए, खबर आने के बाद अभी तक प्रशासनिक अधिकारी तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि सड़क की स्वीकृति हो गई है, टेंडर होने के बाद सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन उस गांव में वाकई में समस्या है, बच्चों के लिए समस्या है, बुजुर्गों के लिए समस्या है, और कोई भी सरकारी योजनाएं सही तरीके से उस गाँव में नहीं पहुँच पा रही। जी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, समस्याएं कई सारी है, उसका समाधान सिर्फ एक है कि अगर सड़क बन जाए तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल तक पहुंच जाए, मरीज अस्पताल तक पहुंच जाए, और उसके साथ ही युवाओं की शादी हो जाए, तो तमाम समस्याएं। लेकिन सिर्फ सिर्फ सड़क नहीं होने की वजह से इस प्रकार की परेशानी यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण है उन्हें हो रही है। चलिए आगे।